ओम शांति। आज दशहरे का आरंभ हो रहा है। दशहरे में विशेष दुर्गा का पूजन होता है। भक्ति मार्ग में दुर्गा की पूजा नव रूपों में किया जाता है। आज दशहरे का पहला दिन है, प्रथम दिवस शैलपुत्री के रूप में पूजन होता है। तो शैलपुत्री का मतलब माना आध्यात्मिक रहस्य क्या है? तो शैलपुत्री के हाथ में, राइट हैंड में, बाहे हाथ में त्रिशूल दिखाया है और दाहे हाथ में कमल पुष्प दिखाया है। तो त्रिशूल की निशानी है तीनों लोकों को जानने वाली, तीनों कालों को जानने वाली। तीनों लोक माना स्थूल, सूक्ष्म और मूल। स्थूल लोक यानी साकार लोक, सूक्ष्म लोक यानी सबचल वतन, मूल वतन यानी आत्मा का सच्चा घर। त्रिकालों को जानने वाली, तीनों काल यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानने वाली, यह त्रिशूल की निशानी राइट हैंड में शैलपुत्री को दिखाती और लेफ्ट हैंड में कमल पुष्प को दिखाते हैं। कमल पुष्प का यादगार ये है, जैसे कमल पुष्प कीचड़ में रहते न्यारा और प्यारा रहता है, ऐसे हमें भी गृहस्थ व्यवहार में रहते, गृहस्थ में रहते, हर जिम्मेवारी को निभाते कमल फूल के समान न्यारा और प्यारा रहना है। हम सभी बच्चों को शिव बाबा ने ऐसा पाठ पढ़ाया है, ऐसा ज्ञान हम बच्चों को सिखाया है, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, गृहस्थ में रहते, हर जिम्मेवारी को निभाते कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे कैसे बने, ये शिव बाबा ने हम सभी को पाठ आया है। तो आज हम सभी इसी स्मृति में रहेंगे कि मैं शैल पुत्री हूँ, सर्व आत्माओं की दुख दर्द मिठाने वाली दुर्गा हूँ, शैल पुत्री हूँ। ओम शांति।